वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार ये सीरीज चल रही है RSMSSB द्वारा 2022 तक पूछे गए राजस्थान जीके के। हमारी ये डेली आपको ये क्लास मिलती है। तो आज ये पार्ट नंबर में 5 नंबर लेकर आया हूँ। तो इससे पहले 4 मैंने उपलब्ध करवा दिए, यानी कि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं जो जिसमें एग्ज़ाम में राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगातार मैं आपको ये धीरे धीरे रिवाइज करवा रहा हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्र 15 मिनट में आपको डेली आपको 50 प्रश्नों का ये रोज़ाना वीडियो मिलता है। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, रीट, मेंस की तैयारी कर रहा है, तो आने वाली 2000 परीक्षाओं की के लिए ये वीडियो मेरे लिए आपके लिए क्या है, रामबाण साबित होगा। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है, ये है ध्यान रखना, जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है? हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है, तो हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल्स। कौन सी पाई जाती है? ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, वर्टिसोल्स जो है मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? वर्टिसोल्स मिट्टी हाड़ौती प्रदेश की प्रधान प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिक्को गठित किया गया था? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिक्को गठित किया गया, तो ये किया गया था ध्यान रखना वर्ष 1969 में। कब किया गया? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये जो 2021 में अक्टूबर में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1969। अगला देखो, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से इनका मिलान करना है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है इनमें कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन है असत्य है। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, रघुनाथगढ़। तो ये तो आपको कथन हो गया सही, उसके बाद में दूसरा कथन भी ये सही है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दो और तीन कथन क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित को सुमेलित करना है। अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, राजस्थान वित्त निगम 1955 ये सही है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 ये सही है, काजरी 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये क्या है, सारे सही हैं। कई बार ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना वर्ष क्या हुआ? 1955। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964, कादरी की स्थापना 1959, तो ये राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला देखो, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? जिला उद्योग केंद्र की स्थापना पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है? कांकरेज ये गाय की नस्ल है आपको पता है, तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जालोर। अगला देखो, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था ध्यान रखना स्वाई मान सिंह को। किसको बनाया गया था? स्वाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त के संदर्भ में आपको बताना है, तो न्यायमूर्ति IDDUA राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। क्या थे? क्या बताइए मुझे भी, जो IDDUA है वो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे क्या? तो ध्यान रखना ये थे, इसका राइट आंसर ये सही है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। क्या लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता? तो ये इसका राइट आंसर दिया, ये भी सही है।
वह संसद या विधानसभा के सदस्य होना चाहिए, ये कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पे दो कथन ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसने पूछा भी कौन से सही हैं, तो यहाँ रखना ऑप्शन नंबर सी एक और दो क्या है सही है इसके। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मीनाकारी जयपुर, अदरक प्रिंट बाड़मेर की है, सांगानेर की नहीं है, टेराकोटा शिल्प मोलेला, थेवाकला प्रतापगढ़। तो अदरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो अदरक प्रिंट बाड़मेर की है, सांगानेर की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, पर्यटक स्थल जिला बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, मेनाल अजमेर, ओशिया जोधपुर, केला देवी करौली। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनाल अजमेर में नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चमरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना आवश्यक था। यानी कि किसके शासक के समय चमरी कर लगाया गया था, ध्यान रखना ये लगाया गया था राव कृष्ण सिंह के समय। किसके समय, कृष्ण सिंह के समय 1903 में क्या है चमरी कर लगाया गया था। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ है उसके बारे में आपको बताना है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, इसमें जेत्ता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो सही तथ्य आपको तीनों में से बताने भी कौन से हैं, तो इसका ध्यान रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एक और तीन इसके सही है, यह महाराणा कुंभा ने बनवाया ये सही है, और इसमें जेत्ता की मूर्ति क्या है उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन नंबर एक और दो इसके करेक्ट आंसर दिया, इसकी कुल 11 मंजिलें नहीं हैं, ये गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के सलंगन जिले हैं, सलंगन राजस्थान के सलंगन जिले कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, पाली और जालोर। कौन से हो जाएंगे, राजस्थान के सलंगन जिले सिरोही, पाली और जालोर। अगला क्वेश्चन देखो, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से थे, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से थे। तो ये थे, ध्यान रखना कौन है, लालदास। कौन थे, लालदास का संबंध है जो मेवात से, ये प्रसिद्ध है मध्यकालीन संत थे। नेक्स्ट देखो, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भी राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। तो ये पाई जाती है उदयपुर में। कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। अगला देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो ये है, ध्यान रखना कौन है, ग्राम पंचायत। कौन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो ये है ग्राम पंचायत। और एक ध्यान रखना, रीट के लिए आपको पता है स्पेशल योजनाओं का टॉपिक जोड़ा गया है, तो एक एक योजना आप ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, अच्छी तरह से पढ़ लेना योजनाओं को। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। अब आपको युद्ध बताने हैं, खानवा का युद्ध, बाड़मेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए इनका सही उत्तर का चयन करना है। यानी कि इनका क्रम बताना है आपको भी कौन सा पहले इनमें युद्ध हुआ था। तो ये क्रम मुझे बताओगे भी कौन सा पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ध्यान रखना, पहले आएगा बाड़मेर का दुर्ग, ठीक है। उसके बाद में आएगा खानवा का युद्ध, फिर आएगा गिरी सुमेल का युद्ध तीन नंबर पे, फिर आएगा हल्दीघाटी का युद्ध। यानी कि 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ये इसका कर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना इनका जो वर्ष है वो भी याद रखा करो, जो कौन सा युद्ध है किस वर्ष हुआ था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। जो राजपूत सरदार है वो हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। इसमें नीचे कूट दिए हुए हैं, ये आपको बताने, ये रे इसमें बताने भी कौन कौन से इसमें सरदार थे। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कौन कौन इसमें शामिल थे। तो ध्यान रखना, एक तो था राम सिंह तंवर यानी कि राम शाह, ये भी था इसमें शामिल, ये लड़ा था। और उसके बाद में बड़ा जाला, ये भी लड़ा। और उसके बाद में आया था रावत कृष्णदास चुड़ावत, ये तीनों क्या इसमें लड़े थे। तो यह ध्यान रखना है, सही उत्तर का चयन करना है, 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तेजाजी के जन्मस्थल का नाम है। तेजाजी का जन्मस्थल आपको पता है खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्मस्थल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव तो ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। किसके द्वारा? फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो ये कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 और 25। कितने हो जाएगा? यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है 25 सीटें, इनके लिए आरक्षित है। अगला देखो, मुंडियर रिंग ख्यात विषय है। मुंडियर ये बताना है आपको, मुंडियर रिंग ख्यात किससे संबंधित है? तो ये है, ध्यान रखना, मारवाड़ के राठौड़ से। यानी कि मुंडियार री ख्यात, ये है ध्यान रखना, मुंडियार री ख्यात किससे संबंधित है? तो ये है मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित। अगला देखो, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना तो ये हुई थी अप्रैल 2006 को। कब हुई थी? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 को। अगला देखो, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का असंगत युग्म कौन सा है? अब आपको बस ये देख लेना, भी असंगत यहाँ पे दिया हुआ है, तो एकीकरण का चरण और तिथि आपको बतानी है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949, ये कितने यहाँ पे गलत है। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, पंचम 15 मई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो तीसरा चरण है वो 25 मार्च 1949 को नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन सिंह सहगावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल, इन तीनों को किया है 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान के इन तीन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना, ये करंट से उस समय क्वेश्चन है, पूछा गया था। अगला देखो, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2021 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जीके व्यास को। अब ध्यान रखना, उस टाइम में 2021 में जीके व्यास थे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये पूछा गया था करंट से संबंधित। अगला देखो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? ये भी उस समय करंट से संबंधित पूछा गया था, ये हुआ था 14वां। कौन सा संस्करण हुआ था? 14वां संस्करण हुआ था, ध्यान रखना। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो ये दिया था एरनपुरा की छावनी ने। किसने दिया? एरनपुरा की छावनी की जो क्रांतिकारी, उन्होंने ये नारा दिया था, ध्यान रखना। अगला देखो, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है अलगोजा से। किससे संबंध है इनका? अलगोजा से रामनाथ चौधरी का संबंध है। नेक्स्ट देखो, महान कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको पता है सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये मेवाड़ के निवासी थे, वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर दिया। पूछा क्या है यहाँ पे, गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया, भी ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये आपको पता है बूंदी के रहने वाले हैं, और बूंदी है जो मेवाड़ में नहीं आता है। अगला देखो, गुलाबो स्पेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो तो ध्यान रखना, गुलाबो है लोक नृत्य के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो स्पेरा लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राजस्थान लोक सेवा का जो आयोग का अध्यक्ष है, अगर वो इस्तीफा देगा तो वो किसको देगा? तो ये देगा राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको पता है महाराणा कुंभ है, जो है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अरावली पर्वतमाला की विभिन्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखना, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो ऊंचाई है वो बतानी है आपको, अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं उनको क्रम बताना है आपका, कौन कौन सा क्रम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आएगी जरगा, उसके बाद में आएगी, सबसे पहले आएगी जरगा, फिर आएगी उसके बाद में दिलवाड़ा, उसके बाद में आएगी ध्यान रखना शेर, फिर आएगी गुरु शिखर, ये बताना है। यानी कि ऊंचाई को बढ़ते हुए क्रम में सबसे सबसे कम किसका है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले जरगा, उसके बाद में आएगी दिलवाड़ा, फिर आएगी शेर,
फिर आएगी गुरु शिखर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे बड़ा हुआ क्रम कौन सा है? गुरु शिखर आपको पता है सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। कृष्णा नागर बहुत ही ये पता है आपको, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, उनके संबंध में आपको बताना भी कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो ध्यान रखना, पहला इनका कथन है ये जयपुर जिले से संबंध थे, ये कथन आपका सही है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी आपको पता है सही है। और उसके द्वारा पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SS3 प्रतियोगिता में पदक जीता, ये कथन यहाँ पे गलत है। उन्होंने उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, ये भी कथन सही है। यानी कि 1, 2 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 1, 2 और 4 सही है। अगला देखो, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हक्कत बहत का अर्थ क्या है? हक्कत बहत, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार है हक्कत बहत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। क्या हो जाएगा? सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। 56 बेसिन जिस जिले से है वह है, यानी कि 56 बेसिन है वो किस जिले से संबंध रखता है? तो ये रखता है आपको पता है बांसवाड़ा से, यहाँ पर है 56 बेसिन बांसवाड़ा से संबंध रखता है। मारवाड़ में दामणी क्या है? मारवाड़ में दामणी एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार का नृत्य या इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ में दामणी क्या है? तो ये है एक प्रकार की ओढ़नी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार की ओढ़नी। अगला देखो, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह, कोकिलदेव, दुल्ले राय, बारमल। कछवा राजवंश के संस्थापक तो कौन थे? दुल्ले राय। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी दुल्ले राय। क्या है? कछवा राजवंश के संस्थापक थे। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ, प्रमुख पूछा इसने, खंडपीठ नहीं पूछा, तो प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में, और खंडपीठ है जयपुर में। अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, एक तरफ है पुस्तक और उनके लेखक। राधा की पुस्तक कौन सी है? सत्यप्रकाश जोशी। मरुमंगल किसके है? सुमेर सिंह शेखावत। बांथा में भूगोल किसके है? हरीश बधानी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ऐसी पुस्तकें पूछी जाती है, आपका स्पेशल क्या है रीट में पुस्तकें जोड़ेगी, ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। यानी कि लगभग हर एक वीडियो में मैं आपके लिए पुस्तकें उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो अलग इनके पेज में आप नोट्स बना के लिख सकते हो, बहुत ही आपके लिए काम आएंगी ये। तो राधा किसकी पुस्तक है? सत्यप्रकाश जोशी की। मरुमंगल है सुमेर सिंह शेखावत। और बांथा में भूगोल किसकी है? हरीश बधानी की। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये आपको पता है कौन सा नहीं था? जयपुर। कौन सा नहीं था? जयपुर। आपको पता है कई बार मैंने ये आपको बता दिया है। अगला देखो, ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो एक लिंग जी मंदिर का यहाँ पर है जयपुर उदयपुर, करणी माता देशनोक बीकानेर, मीराबाई चित्तौड़गढ़ मेड़ता, और सूर्य मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? असंगत है, ध्यान रखना। मेड़ता से चित्तौड़गढ़ मीराबाई मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, और सूर्य मंदिर भरतपुर में। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा? यानी कि राणा सांगा के द्वारा में आपको बताना है इनका जो इनके द्वारा जो लड़ा गया जो युद्ध है उन लड़ाइयों का सही क्रम आपको बताना भी कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहला खातौली का युद्ध लड़ा गया, और उसके बाद में लड़ा गया था गागरौन की लड़ाई, फिर ब्याना की लड़ाई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ ये आपको पता है, 1 नवंबर 1956 को क्या है राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल प्रमुख पद बनाया गया था। अगला देखो, राष्ट्रीय उद्यान है और जिला है इनमें से कौन सा बेमेल है ये बताना है। सरिस्का अलवर, केवलादेव करौली, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, रणथंबोर सवाई माधोपुर। ये बताने आपको कि कौन सा इनमें बेमेल है। तो आपको पता है जो केवलादेव है वो करौली में नहीं है, कहाँ पर है? भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मेवाड़, बागड़, घोड़वाड़, मारवाड़। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था मेवाड़। कौन सा था इनका संबंध है? मेवाड़ से इनका संबंध था। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, निम्बू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था?
तो ये हुआ था, ध्यान रखना, किस रियासत में हुआ? अलवर में। किससे हुआ था? नीमू चाणा, जो अलवर से इनका संबंध है, जो नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड है राज पुताना की, अलवर रियासत में हुआ था। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार आपको अभी तक आरएसएस भी द्वारा दिए पूछे गए क्वेश्चन आपके लिए मैं डेली लेकर आता हूँ, क्योंकि आपको पता है रीड के एग्ज़ाम के लिए ये एग्ज़ाम, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आपको हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आगे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वीडियो आप पूरा आराम से देखना, क्वेश्चन आपका इससे आगे देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।